बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपके साथ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करूँगी। हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया कि क्लासिफिकेशंस क्या होती है, कि जब आप अपनी वैल्यूज़ को ग्रुप्स क्लास कॉलम्स एंड रोज में ग्रुप्स एंड क्लासेस में डिवाइड करते हो। अगर आप ग्रुप्स एंड क्लासेस में डिवाइड कर रहे हो अपनी वैल्यूज़ को, तो दैट इज़ कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। अब हमने मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े, तो जो कि देयर आर द फोर मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन थे। अब जो हमने डिस्कस करना है वो करना है करैक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द करैक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन, तो वो आपने कैसे डिस्कस करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने इन्वॉल्व करनी है, क्या उसमें, और जो हम चीज़ें इन्वॉल्व करनी है उसको आपने किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ये हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लासिफिकेशंस के करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पता होने चाहिए। अब स्टूडेंट, अगर हम क्लासिफिकेशंस के करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, तो दे आर द मेन सिक्स करैक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशंस के हैं जो कि आपने माइंड में रखने हैं। अब उनके नाम सबसे पहले मैं आपको लिख देती हूँ। फर्स्ट हमारे पास जो होता है वो होता है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव है। सेकंड जो आपके पास आ जाता है वो आ जाता है स्टेबिलिटी। थर्ड आपके पास आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। फोर्थ आपके पास जो करैक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं वो होता है होमोजेनिटी। एंड फिफ्थ आपके पास आ जाता है सूटेबिलिटी। एंड लास्ट वन सिक्स इज द अर्थमेटिक एक्यूरेसी। अर्थमेटिक एक्यूरेसी। अब स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या हैं, सिक्स करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, ईच एंड एवरी टॉपिक में आपको मैंने बताया कि व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ द टैबुलेशन, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज़ द स्टैम्प एंड फ्लिप। ये आप तमाम चीज़ें डिस्कस कर चुके हो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में। अब करैक्टरिस्टिक्स को हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एग्जॉस्टिव। आपने प्रोबेबिलिटी में भी डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट, जब वर्ड एग्जॉस्टिव आ जाता है, इट्स मीन आप इंक्लूड करते हो ईच एंड एवरी यूनिट को। जब आप ईच एंड एवरी यूनिट को इंक्लूड करोगे, तो आपके पास वो क्या कहलाता है, एग्जॉस्टिव। अब अगर आपने क्लासिफिकेशन करनी है, तो आपके पास जो डेटा है वो ईच एंड एवरी यूनिट आपने इंक्लूड करने है, उसमें से कोई चीज़ आपने स्किप नहीं करनी है। हाँ, क्लासिफिकेशन में एक चीज़ आपने माइंड में रखनी होती है कि जब भी आप क्लासिफिकेशन करते हो, तो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आप उनको पहले लिखते हो, फिर उससे लेस वाले लिखते हो, फिर सबसे लेस। तो क्लासिफिकेशन का मेन मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है, कि जो हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं वो आपके पास क्या हो जाते हैं, फर्स्ट पे आ जाते हैं, तो वो आपको क्लियर हो जाते हैं और वो आपके पास नुमाया हो जाते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है। तो एग्जॉस्टिव को हम कह सकते हैं द क्लासेस शुड बी सच दैट दे कवर एवरी आइटम ऑफ द सेट। हमारे पास जो कवर करे एवरी आइटम ऑफ द सेट, कवर एवरी आइटम ऑफ सेट, कवर एवरी आइटम ऑफ सेट इज कॉल्ड द एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव करैक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन, दे शुड बी कम्प्लीट एंड नॉन ओवरलैपिंग। अच्छा, एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि ये हमारे पास कम्प्लीट और नॉन ओवरलैप होने चाहिए। ओवरलैप मीन क्या होता है, कि अगर वो एक दूसरे में कुछ कॉमन है, सो दैट इज़ कॉल्ड ओवरलैप। वो नॉन ओवरलैप होने चाहिए, वो एक दूसरे में कुछ टचिंग पॉइंट ना हो, कॉमन पॉइंट ना हो, तो हम कहते हैं कि ये कम्प्लीट होना चाहिए और नॉन ओवरलैप होना चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, जिस तरह आप ले सकते हो मैरिड, अनमैरिड, ठीक है, डिवोर्सेज। तो आपने मैरिड में मैरिड पर्सन को ऐड करने, अनमैरिड में अनमैरिड नंबर्स ऑफ क्लासिफिकेशन को ऐड करो, तो ये आपके पास नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स हैं, जो कि आपके पास क्या हो सकते हैं, कि ओवरलैप नहीं कर सकते। सेकेंड हमारे पास करैक्टरिस्टिक आ जाता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होता है, कि कितना स्टेबल है, कितना यूनिफॉर्म है, उसमें यूनिफॉर्म कितनी है, उसमें यूनिफॉर्म का वर्ड यूज हो रहा होता है, कि आपका डेटा कितना यूनिफॉर्म है, कितना स्टेबल फॉर्म में है, उसको आप कहते हो स्टेबिलिटी। क्लासिफिकेशन में स्टूडेंट हमेशा स्टेबल वैल्यूज़ होनी चाहिए, यूनिफॉर्म वैल्यूज़ होनी चाहिए, सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए। जब हम कह रहे हैं कि हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं,
और क्लासिफिकेशन ऐसे करें कि नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स हम इंक्लूड करें, तो नॉन ओवरलैप्स में आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो सेम होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाते हैं, हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म अगर आप देख रहे हो स्टेबिलिटी, तो क्लासिफिकेशन शुड बी यूनिफॉर्म और स्टैंडर्डाइज सो दैट द रिजल्ट्स बी कंप्लीट एट डिफरेंट ओकेजंस इन डिफरेंट स्टडीज। फ्लेक्सिबिलिटी के आपका डेटा कितना फ्लेक्सिबल्स है, आपकी क्लासिफिकेशन कितनी फ्लेक्सिबल्स है, आप कितनी आसानी से कोई चीज़ ऐड कर सकते हो, कोई चीज़ स्किप कर सकते हो। क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन जब पढ़ा था तो अगर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आ गया जो कि हमें अब रिक्वायर्ड और हमने उसको इंक्लूड भी करना है, तो क्लासिफिकेशन आपके पास फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप इंपॉर्टेंट डेटा को इंक्लूड कर सको और जो अगर अननेसेसरी डेटा आप उसको रिमूव कर सको। तो ये हमारे पास होता है फ्लेक्सिबिलिटी कि आप क्या हो, शुड बी अनेबल अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस टू रिक्वायर्ड मीन्स ऑफ द स्टडी। अगर आपको डिफरेंट सिचुएशंस अगर हो जाती हैं आपकी स्टडी में, अगर आप किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी पर्पज है उस पर आप क्लासिफिकेशंस कर रहे हो, तो आपके जो वैल्यूज़ हैं वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि आप कोई भी डेटा इंक्लूड कर सको, एक्सक्लूड कर सको। होमोजेनिटी क्या होती है, एक चीज हमेशा याद रखना स्टूडेंट, होमोजीनियस एक जैसे को बोलते हैं, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है, आपके पास डिफरेंट मुख्तलिफ को बोल रहे होते हैं। होमोजेनिटी आप जब डिस्कस करते हो तो होमोजेनिटी में आप कहते हो कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल क्लासेस शुड बी द सेम। आपने जो भी यूनिट लिया है वन क्लासेस में, आपने क्लासेस में डिवाइड किया, अगर आप कह रहे हो कि आपने मैरिड अनमैरिड लिया है तो उसमें होमोजेनिटी होनी चाहिए, यूनिट्स आपके पास सेम होने चाहिए, यूनिट्स में आपके पास डिफरेंट नहीं होना चाहिए। सूटेबिलिटी आपके पास क्या होता है कि जो क्लासिफिकेशन आप कर रहे हो क्या उस क्लास में वो सूट कर रही है वैल्यूज, ठीक है, या नहीं कर रही, उसको हम कहते हैं सूटेबिलिटी कि आपके पास वैल्यूज कितनी सूट कर रही है। तो आप कहते हैं क्लासिफिकेशन बी डन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी ओनली। फॉर इंस्टेंस टू स्टडी द फिनेंशियल स्टेटस ऑफ पीपल इट विल बी यूज लेस टू क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर स्किन कलर और देयर हेयर कलर। तो सूटेबिलिटी क्या है कि अगर आप फिनेंशियल वैल्यूज़ पे डिस्कस कर रहे हो, फिनेंशियल डिस्कशन कर रहे हो, तो वहाँ अगर आप ले रहे हो स्किन कलर और हेयर कलर, दैट इज़ नॉट द सूटेबल फॉर द क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन के लिए सूटेबल नहीं है, क्लासिफिकेशन हमेशा सूटेबल वो होगी कि जो यूनिट आपको रिक्वायर्ड है आप उसी के मुताबिक क्लासिफिकेशन करो। अर्थमेटिक एक्यूरेसी इज़ द लास्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं। इसमें आपको क्या बताया जाता है कि द सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ ऑल यूनिट्स इन क्लासेस शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। देखिए हम वैसे भी अर्थमेटिक एक्यूरेसी मीन क्या होता है कि आपका आंसर कितना एक्यूरेट आ रहा है, आपका आंसर जो ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर है उसे कितना करीब तरीन है। अर्थमेटिक क्या होता है, जिस तरह हम मीन फाइंड करते हैं ना अर्थमेटिक मीन, तो इसमें हम क्या करते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करते हैं डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ भी हम यही बता रहे हैं कि जो सम ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स हैं ऑफ ऑल क्लासेस वो शुड बी इक्वल होने चाहिए ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो जो हमारा आंसर है वो आपके पास फिर क्या आएगा, एक्यूरेट आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड द अर्थमेटिक एक्यूरेसी एंड इट्स इंक्लूडेड इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देयर आर द मेन सिक्स करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन हैं स्टूडेंट, जिसमें एग्जॉस्टिव स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, होमोजेनिटी, सूटेबिलिटी, अर्थमेटिक मीन, एक्यूरेसी, ये आपके इंक्लूड हो रहे हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आई होंगी। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हुआ तो मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस कर लूँगी, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं आपको एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव क्लास इंटरवल के बारे में बताऊँगी कि हमारे पास क्या होते हैं, और इनसे रिलेटेड मज़ीद टॉपिक जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हैं और इंपॉर्टेंट हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।